हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हम अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आपको पहुंचाते रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारा इस वीडियो को, इस वीडियो के पसंद आने पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 563 ईसा ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? जन्म स्थल था लुम्बिनी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वो कौन सी है? जातक बौद्ध साहित्य है जो कि बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी? बुद्ध को किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना किसका अंग है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका आंसर है नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर है पद्यपाणि। पद्यपाणि इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस पे? कर्म पे और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह है कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, जो कि पटना का पुराना नाम है। बौद्ध से जुड़े कुछ प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे। ये बौद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक क्या क्या हैं? हाथी, हाथी जो है बौद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल, कमल जन्म का प्रतीक है। सांड, सांड क्या है? यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। शेर, शेर क्या है? स्मृति का प्रतीक है। पदचिन्ह क्या है? निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप क्या है? यह मृत्यु का प्रतीक है, स्तूप। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? वो था अलार कलाम। अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? बलवती हुई। आंसर है बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? शरवस्ती में। ये शरावस्ती में दिए। बौद्ध
शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यह है सांची में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये जो है धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये अशोक द्वारा। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पीटको की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ये जो है वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो हैं बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमने सभी क्वेश्चन को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है, कहाँ पर स्थित है बोध गया? बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है सारनाथ। ये जो है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। कपिलवस्तु में सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का प्रयोग। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क क्रम के रूप में जाना जाता है? वो है उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से? कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह जो है अशोक। इसका थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। ज्ञान जो है ये मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनी देई अभिलेखन से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? वो सारनाथ में किया था। देखिए ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट थोड़ा है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है के निकट
पांच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे कहाँ पे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महाकवि का माता कौन थी? महावीर का माता कौन थी? महावीर का माता त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वां थे, लास्ट तीर्थकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो कौन सी धर्म है? जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। श्यादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत श्यादवाद है। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ यानी केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? जैन मत का। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बल्लवी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में है? ये प्राकृत और अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, सबसे ज़्यादा है? वो था हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सात्वतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे पुराना प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कीजिए। और हमारे इस वीडियो में जितना लाइक मिलेगा मुझे लगेगा कि उतना ही मैं अच्छा आपको कंटेंट पहुँचा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे अगले